लैटिट्यूड्स अर्थ पे कौन कौन से हैं, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स मैंने आपको इक्वेटर वगैरह बता दिया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सो मैंने आप लोगों को बताया था दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, मैंने आपको बताया था ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्यों है? बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, काफी चौड़ी है, तो बीच से अगर इक्वेटर जा रहा है तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर के बाद मैंने आपको बताया था इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, जिसका नाम मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद मैंने आपको एक लाइन बताई थी जो यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री साउथ, इसको मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, अब उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एक लाइन की, तो एक लाइन यहाँ पर जाती है जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इस वाली लाइन का नाम जरा मेरे को बताएं, नेम द लैटिट्यूड विच लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 66.5 डिग्री नॉर्थ, बताइए मेरे को 66.5 डिग्री नॉर्थ पर बताइए, जल्दी बताइए 66.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सा लैटिट्यूड होता है, फास्ट जल्दी बताइए। ओके गुड, सो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है, एक लैटिट्यूड होता है जिसका नाम होता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। अब मेरे को ये बताओ इसका नाम आर्कटिक सर्किल क्यों होता है, जो भी आर्कटिक सर्किल मुझे बता रहा है तो टेल मी इसका नाम आर्कटिक सर्किल ही क्यों है, फटाफट बताओ जो भी बता रहा है, आर्कटिक सर्किल का नाम आर्कटिक सर्किल क्यों है, फास्ट फास्ट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, फास्ट जल्दी बताइए, देखो बताओ जल्दी बताओ फिर मैं बताऊंगा वरना ट्राई करूं, आर्कटिक सर्किल का नाम आर्कटिक सर्किल क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, जल्दी टाइप करिए, अगर नहीं पता तो लिख के भेजिए, नहीं पता जल्दी बताइए, लेकिन फटाफट फास्ट, आई एम वेटिंग, फास्ट फास्ट, ओके टाइम ओवर। देखो इन द नॉर्थ, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है साउथ पोल, क्या होता है, साउथ पोल। अब देखो अब है क्या, यस यस आर्कटिक क्वेश्चन, गुड वेरी गुड। अब यहाँ नॉर्थ पोल पर क्या होता है, एक ओशन होता है जिसका नाम होता है आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के पास है, दैट इज व्हाई 66.5 डिग्री नॉर्थ को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला आर्कटिक सर्किल, गुड, जिसने भी ये जवाब दिया वेरी गुड। ओके, उसके बाद एक और हमारा लैटिट्यूड है जो पास होता है 66.5 डिग्री साउथ, ये साउथ है तो यहाँ साउथ, नॉर्थ है तो नॉर्थ, तो 66.5 डिग्री साउथ पर क्या है, एंटार्कटिक सर्किल, उसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटार्कटिक सर्किल। अब लॉजिक वाली बात क्या है, लॉजिक वाली बात यह है कि एंटार्कटिक सर्किल का नाम एंटार्कटिक सर्किल क्यों है, वो लॉजिक वाली बात है, उसके बारे में मेरे को बताइए कि एंटार्कटिक सर्किल का नाम एंटार्कटिक सर्किल क्यों है, वो बताइए। तो यहां पर क्या है, एक सदर्न ओशन है या फिर क्या है, एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका जो है आपने सुना होगा कॉन्टिनेंट्स में, तो ये क्या है, एंटार्क्टिका के पास है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वाज एंटार्क्टिक सर्किल। ओके गुड, गुड टू हियर दैट, वेरी गुड, मजा आया। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनके बीच में कुछ रीजन्स हैं जो क्या हैं, कुछ जोन्स बनाते हैं, तो अब जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, जोन्स, जोन्स
अर्थ जोन्स, ठीक है, या हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, अब देखो, अब पढ़ते हैं हीट जोन्स के बारे में। तो देखो, हीट जोन्स के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री, तो ये जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर वाले एरिया पर सबसे ज्यादा क्या गर्मी पड़ती है? देयर इज अ लॉट ऑफ हीट नियर इक्वेटर। रीजन मेरे को कोई भी बताए, इक्वेटर के पास इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन कि इक्वेटर के पास इतनी गर्मी पड़ती है? रीजन बताए कोई भी, फास्ट, इतना टाइम मत लिया करो, टाइप करिए और रीजन बताइए मेरे को फास्ट। रीजन 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 बताइए। नहीं पता तो बता दीजिए, नहीं पता मैं फिर बताता हूँ फास्ट फास्ट। देखिए, ओके, बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली, ओके ओके ठीक है। देखो, सपोज करो दिस इज सन, दिस इज व्हाट, दिस इज सन, सन इज मेनी टाइम बिगर देन अर्थ, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, ओके। अब देखिए, सन की रेज जो है, सन की रेज वो अर्थ तक पहुंच कैसी रही है उसको देखो। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इक्वेटर पे जो सन की रेज हैं वो कैसे पहुंच रही हैं? डायरेक्ट, कैसे पहुंच रही हैं? डायरेक्ट रेज, या बोल सकते हैं कि वर्टिकल रेज। मतलब इसको हॉरिजॉन्टल मत समझना, अगर इसकी सन और अर्थ की बात करें तो सीधी जा रही हैं। तो क्या है सीधी रेज? मतलब सन से अर्थ की तरफ जो सन रेज जाती है वो डायरेक्ट सन रेज जाती है। ओके, डायरेक्ट मतलब सीधी जा रही है, स्लैंटिंग नहीं है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ पोल पर, काफी क्या है, काफी ठंड है, काफी बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल तक, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जाने वाली जो रेज है वो स्लैंटिंग है। कैसी है? स्लैंटिंग। लेकिन इक्वेटर पे जो रेज जा रही है वो कैसी जा रही है? इक्वेटर पे जो रेज जा रही है वो कैसी है? डायरेक्ट रेज जा रही है। ओके, अब समझने वाली बात क्या है वो देखो। समझने वाली बात ये, एक तो डायरेक्ट रेज जा रही है, और डायरेक्ट रेज जब भी जाती हैं, तो डायरेक्ट रेज जब जाएंगी तो वो क्या करेंगी? वो किसी भी एरिया पर कंसंट्रेट होंगी, स्मॉल अमाउंट पर, और स्मॉल अमाउंट पर कंसंट्रेट होकर वो वहां पर ज्यादा हीट जनरेट करेंगी। समझाता हूँ इसको, देखो देखो, अगर मैं बोलूं कि सन की रेज एक लार्जर एरिया पर जा रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास का। किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो हाथ में पकड़ते हैं, और देखा होगा सन की रेज को क्या करते हैं, सन की रेज की तरफ उस मैग्नीफाइंग ग्लास को करते हैं, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सन की रेज को जब उसमें से पास होती है, और अगर आप किसी पेपर को लेंगे तो वो उस पेपर को बर्न कर देता है, या अगर आप अपनी स्किन के ऊपर भी डालेंगे तो थोड़ी देर में आपकी स्किन बर्न होने लग जाएगी। तो कोशिश करना, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो चश्मे से भी कर सकते हो। चश्मा अगर आप लोगे, और चश्मे को क्या करना, सन की रेस की तरफ करना, और जो जो बीम उसमें से पास होगी उसकी तरफ हाथ रखना, तो आपको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ओके,
तो वो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सपोज करो जो अगर ये सन है और सन की रेज है, तो इस सन की रेज को वो क्या करता है, अगर यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो तो वो सिर्फ एक रे बना देता है, कई सारी रेज को एक रे बनाकर कंसेंट्रेट कर देता है एक छोटे एरिया पर, जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ऐसे इक्वेटर के साथ होता है, इक्वेटर पर जो रेज आती हैं वो कैसी रेज होती हैं, वो डायरेक्ट रेज होती हैं और वो एक स्मॉलर एरियाज पर कंसेंट्रेट करती हैं, जिससे क्या ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये अगर लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया तो एक आसान लॉजिक बताता हूँ। देखो सपोज करो सपोज करो ये जो डोर है सपोज करो ये जो डोर है यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, धीरे धीरे डोर ओपन हुआ और सपोज करो वहां पर क्या है, वहां पर आग फ्लैश भी आ रहा है, तो फ्लैश को एज्यूम करना आग की तरह। तो अगर सपोज करो वहां पर आग जल रही है, तो अगर मैं दूर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को आग ज्यादा महसूस होगी, या अगर मैं उस आग के पास चला जाऊं तो मेरे को आग ज्यादा महसूस होगी? जरा मेरे को बताइए, अगर यहाँ पर आग लगी हुई है, लाइक सन, सन भी क्या है, ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, तो अगर यहाँ पर आग लगी हुई है, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को आग ज्यादा फील होगी, या अगर मैं थोड़ा दूर आ जाऊँ तो मेरे को उस आग की जो गर्मी है वो ज्यादा फील हो जाएगी? पहले तो इस बात का मेरे को आंसर देना सीखो, मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ, आपके व्यूज क्या हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा। नियर, ओके, तो मतलब अगर मैं आग के पास खड़ा होऊंगा तो मुझे हीट ज्यादा महसूस होगी, और अगर मैं थोड़ा फार आ जाऊंगा, दूर आ जाऊंगा, तो हीट कम महसूस होगी। ओके, क्लियर। ऐसे ही इक्वेटर के साथ है। इक्वेटर के साथ क्या है कि इक्वेटर पे अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, तो इक्वेटर वाला एरिया जो है वो सन के क्या है, सन के बहुत पास है, तो इक्वेटर वाला एरिया सन के पास है, तो सन के पास होने की वजह से वहां पर हीट ज्यादा जा रही है, ठीक है, ज्यादा महसूस हो रही है। और देखो पोल जो नॉर्थ पोल है वो काफी दूर हो जाता है सन से, तो वो दूर है तो वहां पर क्या है, वहां पर सनरेज डायरेक्ट नहीं जा पाती है, स्लैंटिंग जाती है, जिससे वहां पर गर्मी कम है। ऐसे समझना चाहते हो ऐसे भी समझ सकते हो। एक और तरीका है कि सनरेज जब छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ज्यादा हीट होती है, और जब लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हीट कम हो जाती है उनके अंदर। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल हैं कि इक्वेटर पे हीट ज्यादा क्यों होती है। ओके, तो अब हीट जोन्स हैं तो हीट जोन्स पढ़ो, थोड़ा लॉजिक था, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब देखो, अब देखने वाली बात ये है कि ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर एक जो लाइन मैंने आपको बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी लाइन बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लाइन मैंने आपको बताई थी साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब एक एरिया है जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक लाई करता है, तो ये जो एरिया है जिसको मैंने लाइनिंग किया है, इस एरिया का एक नाम है, जो एरिया इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है, जिस एरिया को मैंने अभी शेड किया है, इस एरिया का एक नाम होता है, वो नाम क्या होता है, जरा मुझे उसका नाम बता दें, जितना एरिया मैंने शेड किया है। सो टेल मी द नेम ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, द रीजन विच लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अबव द इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो द इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम बताया आपने, किसी ने कुछ नाम बताया, आई थिंक सो टेम्परेट जोन, इशिता ने बताया है टेम्परेट जोन, और कोई कुछ बताना चाहेगा तो ये बिल्कुल फ्री है, मेरे को बता सकता है, बताएं, और कोई बताना चाहेगा, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, भूमि ने बताया है टॉरिड जोन, भूमि, वेरी गुड, टॉरिड जोन, एनीवन एल्स, ओके, सही बताया, दोनों का आंसर सही है। सो ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, ये वाला जो रीजन है, जो रीजन लाई करता है, कहाँ लाई करता है, जो रीजन लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके नाउ वॉइस इज क्लियर। अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस, अब वॉइस क्लियर है। ओके अब ये वाला जो रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम लोग बोलते हैं या तो टेम्परेट जोन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉरिड जोन। कौन सा जोन? टॉरिड, कुछ भी बोल सकते हैं, टेम्परेट या फिर टॉरिड। अब कोई मेरे को बताए इसको टेम्परेट या फिर टॉरिड जोन क्यों कहते हैं? मेन बात तो ये क्यों वाली, कोई ये मेरे को बताए इसको टॉरिड या टेम्परेट जोन क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों है कि इसको टॉरिड या टेम्परेट जोन कहा जाता है, मेरे को बताए। यस, मेरे को बताइए क्यों इसको टेम्परेट या फिर टॉरिड जोन कहा जाता है उसको? जल्दी बताओ, नहीं पता तो बोल दो सर, नहीं पता फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट बताओ, जल्दी बताओ। आवाज कट कट के आ रही है, देखो आवाज सबको कट कट के आ रही है या सिर्फ इसी को, एक को ही कट कट के आ रही है? आवाज, आवाज जो है वो सबको कट कट के आ रही है या फिर आवाज इन्हीं को कट कट के आ रही है, मेरे को बताइए, जल्दी बताइए। वॉइस का इशू हो तो वॉइस इज क्लियर। ओके, अगर वॉइस क्लियर है तो ठीक है, और किसी को कट के तो नहीं आ रही? ओके, अब देखो इसको टेम्परेट या फिर टॉरिड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ की सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो इसी इसी जोन पे क्या है, इसी जोन पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, अगर बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इतने एरिया में क्या है, इतने एरिया में अर्थ की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, ड्यू टू इंटेंस ऑफ हीट क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उससे क्या है, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है, मतलब कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, तो इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे बारिश बहुत होती है। बारिश बहुत क्यों होती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, वाटर जो है वो फटाफट ह्यूमिडिटी बन जाता है और फिर क्या है, कंडेंस होकर क्या है, वहां बारिश पड़ती है। तो वो पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स जो होंगे उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अगर ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में लाइफ स्टाइल कैसी होती है। वैसे फिफ्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपने कॉन्गो बेसिन पढ़ा था, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, वो इसी का एग्जाम्पल था। ओके, क्या था वो, इसी का एग्जाम्पल था, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन का ही एग्जाम्पल था, जो आपने कॉन्गो बेसिस पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में। ठीक है, सो था क्या, ये था कि टेम्परेट और टॉरिड जोन हो गया। टेम्परेट और टॉरिड जोन में मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेट और टॉरिड जोन में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अर्थ की क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इंटेंस ऑफ हीट क्या है, टेम्परेट या फिर टॉरिड जोन में पड़ती है। ठीक है, बाकी मैं टॉरिड वो ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन में पड़ती है बाकी। अरे टेम्परेट किसने कैसे लिख दिया, मैंने टेम्परेट नहीं है ये, ट्रॉपिकल है, बता तो दो कम से कम, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन है यार ये, ट्रॉपिकल, टेम्परेट तो इसके ऊपर वाला है, याद तो दिलवा दिया करो अगर कुछ गलत पढ़ा रहा हूं तो। ओके ओके ऑल ऑफ यू, अब किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ ले, वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, आंधी बांधी आ रही है तो मेरे को लग रहा है सिग्नल जाने वाले हैं। हाँ, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, वो मौसम खराब हो रहा है, तो किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ ले, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो वो पूछे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। यस, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी तो वो पूछे, कोई प्रॉब्लम है किसी की, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछे मेरे से। यस, ओके ऑल ऑफ यू, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।
स्टे ब्लेस। ट्रॉपिकल जोन बता तो दिया, ये ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन ही तो है। इसमें क्या बता दूं ट्रॉपिकल जोन में? द जोन दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक टू ऑफ द कैंसर्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, वो ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।